एनाबेल कम्स होम। एक और भूतिया कहानी आपके लिए आ गई है, और अब तो मुझे आदत हो गई है। चैनल का नाम है फैक्ट टैक्स। तो बहुत अमेजिंग वीडियोस होती हैं, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके आप और भी चैनल की बढ़िया बढ़िया वीडियोस देख सकते हो। फैक्ट टैक्स चैनल की गजब, मतलब कि जो तरीका है ना एक्सप्लेन करने का, गजब ही होता है हर एक हाँ, वीडियो के बारे में। तो आज जो टाइटल है, एनाबेल गुड़िया गुड़िया की की कहानी, द कहानी। मिस्ट्री ऑफ एनाबेल। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और सीधा स्टोरी के अंदर घुस जाते हैं, मजा आने वाला है। बाकी बाकी बातें बाद में और करेंगे। भाई कमेंट करके जरूर बताना, डर लगा नहीं लगा और स्टोरी कैसी लगी। तो रेडी यस। स्टडी एंड 2013 में एक मूवी निकली थी जिसका नाम था द कंज्यूरिंग। ये मूवी बाकी मूवीज से अलग थी क्योंकि ये असल घटना पे आधारित थी। इस मूवी की सबसे अजीब और सबसे डरावनी कंटेंट थी ये डॉल जिसका नाम था एनाबेला। उस फिल्म में आपको ये गुड़िया ऐसी दिखती होगी, पर असल में ये है असली एनाबेला। उस मूवी को ज्यादा एंटरटेनिंग बनाने के लिए उस डॉल को डायरेक्टर ने रीडिजाइन करवाया था, पर असल में ये डॉल बाकी गुड़ियों जैसी एकदम सिंपल दिखती थी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कई लोग आत्माओं और भूतों पर यकीन नहीं करते होंगे, इसलिए मैं आपको मेरी घोस्ट वाली वीडियो देखने के लिए कहूंगा। इस वीडियो में मैंने भूतों और आत्माओं के बारे में एक साइंटिफिक वे में समझाया है। सो लेट्स एक्सप्लोर द ट्रू स्टोरी ऑफ द एनाबेला डॉल। ओ भाई तो इसी आवाज से डर जाती है अभी। फैक्ट है भाई, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आपको एनाबेला से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसकी कहानी शुरू होती है 1970 में। एक लड़की जिसका नाम था डोना, उसे उसकी माँ एक एंटीक डॉल गिफ्ट करती है। उसे बचपन से ही डॉल बहुत पसंद था और इसलिए कॉलेज में होने के बावजूद भी वो इन सब चीजों के साथ खेलती थी। डोना उस समय कॉलेज में थी और वो नर्स की पढ़ाई कर रही थी। उसकी एक रूममेट थी जिसका नाम था एंजी और वो दोनों एक अपार्टमेंट में रहते थे। उस अपार्टमेंट में जब उसकी माँ उसे डॉल गिफ्ट की थी, तब डोना ने उसे बड़ी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया और उस डॉल को बेड पे रख दिया। थोड़ी देर बाद डोना और उसकी दोस्त एंजी दोनों ने ये नोटिस किया कि वो डॉल खुद ब खुद अपने आप जगह से मूव करने लगी। वो जब घर वापस आती थी उस समय डॉल की पोजीशन बदल जाती थी। जब वो उस डॉल को किसी रूम में रख के कॉलेज से आती थी, तब वो देखती थी कि वो डॉल दूसरे रूम में पड़ी हुई है। जैसे जब वो बेड पे उस डॉल को रखती थी तो वापस आने के बाद वो अपने सोफा पे उसे पाती थी। धीरे धीरे ये चीजें और भी बढ़ती गई। कुछ हफ्ते बाद ये घटनाएं थोड़ी ज्यादा ही डरावनी होने लगी। एक शाम वो दोनों दोस्त अपने कॉलेज से आई तो उन्होंने कई पेपर्स को देखा जिसपे लिखा हुआ था हेल्प अस हेल्प अस। डॉल की पोजीशन बदलना उन लड़कियों के लिए एक आम बात हो गई थी। एक रात जब वो अपने घर पे आई तो उन्होंने उस डॉल को उसी जगह पर पाया जहां उसे वो छोड़ के गई थी। पर डोना को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और डोना उस डॉल को ध्यान से देखने लगी तो उसने देखा कि डॉल के ऊपर खून लगा हुआ है। इस ब्लड वाली घटना के बाद वो दोनों लड़कियां पूरी तरह से डर गई। उसके बाद उन्होंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को अपने घर पे बुलाया उस डॉल की जांच करने के लिए। उस इन्वेस्टिगेटर ने ये कहा कि ये डॉल एक मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम था एनाबेला हिगिंस। उस इन्वेस्टिगेटर ने एनाबेला से बात करने की कोशिश की। एनाबेला की आत्मा ने उसे बताया कि वो उसी जमीन पे पहले रहती थी जिसपे वो अपार्टमेंट बना है जिसपे ये दोनों दोस्त रहती है। और एनाबेला ने कहा कि उसकी मौत तब हुई थी जब उसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। उसने ये भी कहा कि ये डोना और एंजी के साथ सेफ फील करती थी। और उसने उस इन्वेस्टिगेटर के जरिए दोनों रूममेट से ये पूछी कि क्या वो उनके साथ रह सकती है। डोना और एंजी नर्स की पढ़ाई कर रही थी और लोगों का भला करना उनका काम था। उन्हें एनाबेला की कहानी सुन के दुख हुआ और इसलिए एनाबेला को वो अपने साथ रहने की परमिशन दे दी। डोना और एंजी का एक दोस्त था जिसका नाम था लोव और वो भी उनके साथ रहता था दूसरे कमरे में। लोव का कुछ और ही कहना था। उसे वो डॉल शुरू से ही पसंद नहीं था। वो लड़कियां उस डॉल को एक्सेप्ट तो कर ली, पर लोव का ये कहना था कि ये डॉल काफी खतरनाक है और इसलिए उन्हें इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। पर डोना ने लोव की बात नहीं मानी क्योंकि उसे उस इन्वेस्टिगेटर की बात
सही लग रही थी और उसने तो यही कहा था कि इस डॉल के अंदर एक 7 साल की लड़की की आत्मा है जो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी बल्कि सिर्फ प्यार चाहती थी। पर डोना को ये नहीं पता था कि उसकी बात जल्द ही गलत साबित होने वाली है। एक रात लुइस अपार्टमेंट में सो रहा था, उसकी नींद आधी रात में अचानक से टूटी। लो ने ये फील किया कि वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था और वो बिल्कुल घबरा गया और उसे एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। उसने नीचे की तरफ देखा तो उसे एनाबेला डॉल दिखी जो उसी की तरफ आ रही थी, पर वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। एनाबेला लुई के शरीर पे आके रुक गई और उसे देखने लगी, फिर लो बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसे होश आया तो उसने ये देखा कि एनाबेला तो अपने रूम में ही है। वो इस बात को श्योर नहीं कर पा रहा था कि रात को जो उसने एक्सपीरियंस किया था वो एक सपना था या फिर असलियत में कुछ हुआ था। उस दिन दोपहर में लुई और एंजी उस अपार्टमेंट में अकेले थे। अचानक से डोना के कमरे से उनको एक अजीब सी आवाज सुनाई थी। उन्होंने ये सोचा कि कोई चोर अपार्टमेंट में घुस आया। लुई बेडरूम की तरफ गया और उसने देखा कि वो रूम तो खाली था, कोई उसके अंदर नहीं था, सिर्फ उस डॉल के बदले जो उस रूम में फर्श पर पड़ी हुई थी। उस रूम में अचानक से लुई को लगा कि उसके पीछे कोई है। वो अचानक से घूमा पर उसने देखा कि उसके पीछे कोई नहीं था। अचानक से उसे अपनी छाती पे जोर से दर्द महसूस होता है और जब उसने अपने चेस्ट पर हाथ रखा तो उसने 7 निशानों को देखा और उस जगह से खून निकल रहा था। ऐसी अजीब चीजें होने लगी उस घर में। डोना और एंजी को लगा कि कोई 7 साल की लड़की तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। उस डॉल पर उन्होंने शक करना शुरू कर दिया और इसलिए उन्होंने एक प्रिस्ट को बुलाया, फादर हेगन। पर फादर हेगन को लगा कि वो इस काम के लिए सही नहीं है। ऐसी स्पिरिट की जांच करने के लिए उन्हें किसी बड़े प्रिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए, इसलिए उन्होंने फादर कुक जो एक बहुत बड़े प्रिस्ट थे उन्हें कांटेक्ट किया। और फादर कुक ने बाद में जाके एड और लॉरेन वैरन को कांटेक्ट किया और इनके बारे में तो आपने कंज्यूरिंग मूवी में देखा ही होगा। एड वैरन ने उस अपार्टमेंट में जाके डोना, एंजी और लुई से बात किया और इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें ये पता चला कि एनाबेला सिर्फ एक 7 साल की लड़की की आत्मा नहीं है बल्कि एक शैतान की आत्मा है जो एक छोटी लड़की बनने का नाटक कर रहा था और उसकी इंटेंशन प्यार पाना नहीं बल्कि डोना या फिर उसके दो दोस्तों के शरीर पे कब्जा करना था, यानी उनके शरीर में प्रवेश करना था। डोना ने उस डॉल को वैरेंस को सौंप दिया और एड और लॉरेन वैरन ने उस डॉल को अपने साथ रखने का डिसीजन ले लिया। एड ने एनाबेला को अपने बैक सीट पे रखा। जब उस डॉल को वो अपने घर ले जा रहे थे तब उन दोनों को एक अजीब से हेट महसूस हो रही थी जिसे वो फील कर पा रहे थे और बीच बीच में कार की स्टीयरिंग और ब्रेक्स काम करना बंद कर दे रही थी। एक जगह पर कार की बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गई थी और इसलिए एड ने होली वाटर एनाबेला पे छिड़क दिया। वो उस डॉल को शांत करने में कामयाब रहे और वो आखिर में अपने घर पहुंच गए। शुरुआत के कुछ दिनों में उन्होंने ये नोटिस किया कि एनाबेला अपने आप ही दूसरे कमरे में पहुंच जाती थी। एक कैथोलिस्ट प्रिस्ट जिनका नाम था फादर जेसन ब्रैडफोर्ड, वो एनाबेला डॉल को देखने के लिए एड और लॉरेन वैरन के घर पे आए और उस डॉल को देखने के बाद उन्होंने उस डॉल को उठाया और ये कहा, तुम सिर्फ एक डॉल हो, तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। फिर एड ने उस प्रिस्ट को कहा, आप इस लाइन को नहीं कहते तो अच्छा होता। लॉरेन ने उस फादर को ये कहा कि घर जाते समय सावधानी से गाड़ी चलाइएगा और उन्हें घर पहुंचने के बाद फोन करने को कहा, क्योंकि एड का मानना था कि इस डॉल को उन्होंने वो बात कह के गुस्सा दिला दिया था। कुछ घंटों बाद एक फोन कॉल आता है जिसमें उस प्रिस्ट ने बताया कि वो एक एक्सीडेंट में मरने से बाल बाल बच गए। वैरन ने आखिरकार ये तय किया कि एनाबेला के लिए एक स्पेशल वुडन केस बनाया जाएगा और उसे ऑकल्ट म्यूजियम में रखा जाएगा जहाँ पे वो आज भी रखी हुई है। एनाबेला अब एक वुडन लॉकर में बंद है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। कुछ सालों बाद एक बार एड अपने विजिटर को एनाबेला के बारे में बता रहे थे, तब उस विजिटर ने उसी रूम में एनाबेला डॉल के सामने ही उसका मजाक उड़ा दिया। जब वो विजिटर रात में अपने एक क्लोज फ्रेंड के साथ बाइक पे घर जा रहा था तब उसका एक्सीडेंट हो गया, पर उसकी वो दोस्त बच जाती है पर वो लड़का मर जाता है। उसकी जो दोस्त बचती है उसने ये कहा कि वो एनाबेला के बारे में बात कर रही थी, उसको लेकर मजाक उड़ा रही थी। तभी अचानक से
उसने अपना कंट्रोल लॉस्ट कर दिया और वो बाइक एक पेड़ पे जाके टकरा गई। आज भी एनाबेला उसी ऑकल्ट म्यूजियम में पाई जा सकती है। ये दुनिया की सबसे श्रापित डॉल्स में से एक नहीं बल्कि दुनिया की सबसे श्रापित डॉल है। जैसे कि मैंने कहा कि आज भी एनाबेला उसी ऑकल्ट म्यूजियम में बंद, किसी म्यूजियम में तो है। अगर आपको मतलब एक चांस मिले तो क्या आप एनाबेला डॉल को करीब से देखना चाहोगे? ना, बिल्कुल नहीं। इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए ताकि ये एनाबेल का तो सुना है कि ये म्यूजियम में रखे और ये उस वाले म्यूजियम में काफी सारी ऐसी चीजें रखी हुई हैं। बिल्कुल भाई, मिरर वगैरह। पहले तो ऐसी वीडियोस और देखने के लिए चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फैक्ट टैग्स ओरिजिनल वीडियो का लिंक, जाके और वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो। और आई एम श्योर आपको डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छी वीडियोस, जिस तरीके से भाई ने स्टोरी बताई है, फैक्ट टैग चैनल अमेजिंग चैनल है, मजा आ गया। बहुत ही एक सस्पेंस के साथ और बहुत तरीके से जो एक एक पॉइंट क्लियर हुआ कि 7 साल की डॉल बन मतलब बच्चे बन के कि हाँ मैं तो बस प्यार। तुम जाओगे भाई साहब, तुम मिलने जाओगे उस गुड़िया से, बता दो अगर तुम्हें ऐसी कोई गुड़िया मिल जाए तुम, और तुम रखना, पहली बात तो अगर कोई ऐसे कोई तुम बता दे कि भाई साहब उसके अंदर आत्मा है, तुम रखना चाहोगे उसके बदले? और भले वो फ्रेंडली आत्मा हो, मैं तो भैया बिल्कुल भी ना हिम्मत ही ना रहे। बहुत मतलब समझ नहीं आ रहा, और मेरे को ये नहीं पता कि भाई अभी भी हकीकत में है नहीं है वो, मुझे नहीं पता। आप लोग क्या बिलीव करते हो इस बारे में कि एनाबेल सच में है? जब वो अभी लास्ट कौन सी आई थी, कम्स होम ऐसे करके थी, जब मैंने उसके बाद ऐसी नॉर्मल वो चेक किया था ऐसी नेट पे, तो उसमें था कि जिस म्यूजियम में रखी है ना वहाँ पे और भी ऐसी चीजें हैं जो पजेस म्यूजियम होगा, तो एक अलमीरा वगैरह भी। बिलीव करते हो इन चीजों में? नहीं कर सकते हो। और लेकिन एक चीज तो है, जैसे मूवीज में बताया गया कि जैसे ये जो होती है जो स्पिरिट होता है, ये कोशिश करते हैं किसी भी बॉडी के अंदर आने की, सर्वाइव करने के लिए इनको किसी भी बॉडी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि तभी ये अपना जो इनका परफॉर्मेंस बेस्ट होता है वो दे पाते हैं, क्योंकि जैसे किसी को हर्ट कर रहे हैं वो भी, तो मतलब मजाक वाला वर्ड कहते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस, लेकिन इनको मतलब अपनी शक्तियां अच्छे से यूज करने के लिए इनको कोई ना कोई शरीर चाहिए होता है, स्पिरिट ह्यूमन वो बॉडी चाहिए होती है, क्योंकि हम तो हवा भी हमने देखा है। और कहीं ना कहीं ये प्रीस्ट से उन्होंने बताया, और जो लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी मेरी हवा टाइट हो रही है, खतरनाक वीडियो, खतरनाक। आपको कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे ऐसी एक और वीडियो के साथ, और सजेस्ट कर सकते हो आप वीडियो यार, और सजेस्ट कर सकते हो, अच्छा लगता है। और इस चैनल पे गेमिंग होती है रात के 10 बजे, आ जाए करो। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू ऑल।